हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार, जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लैटरल पेल्विक टिल्ट के बारे में। लैटरल मींस साइड में, टिल्ट मींस झुकाव, और पेल्विक मींस पेल्विस बोन, मींस हमारे एक साइड की पेल्विक बोन का एक तरफ को झुकाओ। इस कंडीशन में एक हिप ऊपर की तरफ उठ जाता है दूसरे हिप के कंपैरिजन में। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम होती है हमारे एक साइड की क्वाड्रेटस लंबोरस मसल की टाइटनेस की वजह से। हाइपरटोनिसिटी हो जाती है, मींस मसल स्पैज़म होता है, मींस मसल टाइट हो जाती है एक साइड की, और दूसरे साइड की मसल वीक पड़ने लगती है, जिसकी वजह से जिस साइड की क्वाड्रेटस लंबोरस मसल की टाइटनेस हुई है, हिप को ऊपर की तरफ खींच लेती है और दूसरा हिप नीचे की तरफ रह जाता है। इस कंडीशन में ऐसा महसूस होता है जैसे एक टांग छोटी हो गई है और आगे की तरफ झुकाव के साथ पेशेंट चलने लगता है। उसके गेट यानी कि चाल में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, बैक में पेन होता है और पेशेंट चलने में काफ़ी डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। बार बार पेशेंट को बैठना पड़ता है। इस तरह की प्रॉब्लम कई बार हमारे गलत पोस्चर की वजह से भी हो सकती है और कई बार नव कंप्रेशन की वजह से भी हो सकती है। जिस साइड की नव का कंप्रेशन होता है, ब्रेन हमें दूसरे साइड झुका देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज इस वीडियो में हम पेशेंट पर दो मोबिलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे और पेशेंट को ये घर पर करने के लिए सिखाएंगे भी। इस वीडियो में हम दो ऐसे तरीके पेशेंट को बताएंगे जो कि पेशेंट आसानी से उनको समझकर अपने घर पर भी कर सकते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस मोबिलाइजेशन टेक्निक में दो लोगों की ज़रूरत होती है, दोनों फिजियोथेरेपिस्ट या एक फिजियोथेरेपिस्ट एक असिस्टेंट। इस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट के गार्डियन को भी, केयर गिवर को भी ये एक्सरसाइज, ये टेक्निक सिखा सकते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रीइन्फोर्स करके पेल्विस एरिया पर रखेंगे और अंदर की साइड पुश करेंगे, और दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट दूसरी साइड में इसी तरह से रिब के नीचे वाले हिस्से पे अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अंदर की साइड पुश करेंगे। इस तरह से काउंटर बैलेंस फोर्स के साथ इस मोबिलाइजेशन को करना है। दोनों लोगों का फोर्स बराबर रहेगा, एक दूसरे का काउंटर बैलेंस करेगा और पेशेंट को साइड बाय साइड मूवमेंट करते रहना है। या तो सिंगल, मतलब इतना मोटा हो तो सिंगल ही लेना है, अदरवाइज ये पतला है तो इसको डबल लेके करें। ठीक है, बिल्कुल अंदर चले जाइए बेड में, बिल्कुल अंदर। एक्चुअली हमारा तो ये नैरो है, आपका तो चौड़ा बेड होगा ना, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आपने इस तरह से यहाँ इसके साथ में ऐसे पिल्लो फंसा देना है थोड़ा सा, हाँ बस। और ये पिल्लो जाएगा आपका ये जो बोन दिख रही यहाँ पे, जो हाथ लगा जो होलो स्पेस आया ना उसके साथ से, और यहाँ पे हिप के यहाँ से। ठीक है, ये इतना ही ब्रॉड होगा। अब आप धीरे धीरे इस पिलो के ऊपर आओ, करवट लो, करवट लो, अपने हाथ को नीचे दबा लेना। हाँ, यूं करके अपने हाथ को दबाते जाओ, आप वापस जाओ, वापस जाओ, अपने इस हाथ को अपने सिर के नीचे दबाओ। हाँ आओ, या फिर वहीं से पहले एक पिलो लेके आओ, मतलब पिलो रखो पहले, उसके ऊपर आते चले जाओ। ठीक है, इस तरह से आप आ गए। इसमें नीचे के पैर को थोड़ा सा मोड़ के रखना है, हल्का सा रिलैक्स करने के लिए अपनी बॉडी को। ये थोड़ा इधर आना है और पैर सीधा करना है। ये जिस साइड आपका हिप बाहर निकलता है ऐसे करके जाता है, उस साइड में आपने लगाना है। ठीक है, और आप धीरे 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 आप हाथ को भी हटा दें और इसको नीचे छोड़ दें। कुछ सेकेंड के लिए आपने पिल्लो यूज करना बस। ठीक है, जैसे अभी हाथ रखा था इतनी देर, फिर आप हाथ आगे भी निकाल सकती हैं थोड़ा सा अपने, या फिर इधर साइड होने पे। सिर आपने इसके ऊपर नहीं रखना, नहीं तो खिंचावट नहीं आएगी, बल्कि इसको भी ले जाओ आप। कुछ देर की बात है,
ठीक है, अच्छा खिंचावट महसूस हो रही है आपको? जी मैम। ठीक है, गिर मत जाना, क्योंकि ये बिल्कुल आप एज पे हो, ध्यान रखिएगा। ओके, अकड़ाहट में कमी है, सोने के तरीके में चेंज आया? हाँ जी। आपने चेंज किया जो पिल्लो के साथ बताया था, एडजस्टमेंट वो हुआ? सारे किए। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना आराम है? अकड़ाहट में कितनी कमी है? 10-20%? 50%। नाइस, गुड, ठीक। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी सोसाइटी में जो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, आप उसको रोकने में या आप उसको कंट्रोल करने में या उन लोगों को इस वर्स्ट सिचुएशन से बचाने में उनकी मदद कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।